हेलो डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर डूइंग आर चैप्टर नंबर टेंथ सो आर टूडेज टॉपिक इज ब्लड फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड होता क्या है स्टूडेंट्स ब्लड एक रेड कलर का फ्लूड है जो हमारी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है नेक्स्ट ब्लड के फंक्शंस क्या हैं ये हमारी बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के बाकी पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है ऐसे ही लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचाता है और बॉडी के सभी पार्ट्स में से वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करके बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है ऐसे स्टूडेंट्स ये हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से भी बचाता है जर्म्स को डिस्ट्रॉय करके और कुछ ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग क्या है कि कभी भी आप अगर कोई कट लेते हो अपनी बॉडी पे मींस कहीं पे चोट लग जाती है तो उसके बाद में आपकी बॉडी से ज़्यादा ब्लड बाहर नहीं बहता है ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाता है जमने लग जाता है तो वो ब्लड क्लॉटिंग किससे होती है कुछ टाइप के ब्लड सेल से वो हम आगे स्टडी करेंगे कौन से ब्लड सेल्स होते हैं नेक्स्ट ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है नेक्स्ट वी विल सी द पार्ट्स ऑफ ब्लड स्टूडेंट्स ब्लड के टू मेन पार्ट्स होते हैं लिक्विड पार्ट एंड सेल्स लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा और उस प्लाज्मा के अंदर ही कई सारे नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो उसमें फ्लोट करते हैं सो so, प्लाज्मा क्या कैरी करता है प्लाज्मा कैरी करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कुछ कई अलग तरह के सबस्टांसिस को अब स्टूडेंट्स बारी आती है ब्लड सेल्स की ब्लड सेल्स थ्री टाइप्स के होते हैं रेड ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रेड ब्लड सेल्स स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल अपने नेम से ही इंडिकेट कर रहा है कि इनके सेल्स का कलर कैसा होता है रेड कलर किसकी वजह से होता है रेड कलर उसके अंदर प्रेजेंट एक रेड कलर के पिगमेंट जिसका नेम है हीमोग्लोबिन उसकी वजह से स्टूडेंट्स जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपका ट्रीटमेंट के टाइम पे ब्लड चेकअप करते हैं वो आपको ऐसे कुछ बताते हैं कि आपके अंदर ब्लड कितना है 8.5 ग्राम 9 ग्राम 11 ग्राम 12 ग्राम स्टूडेंट्स वो ग्राम में आपका ब्लड नहीं होता एक्चुअली वो होता है हीमोग्लोबिन कि आपके रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है वो ग्राम्स में होता है ब्लड तो हमेशा लीटर्स में मेजर होता है सो इन रेड ब्लड सेल्स में जो हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है वही हम चेक करवाते हैं और उस हेमोग्लोबिन का वर्क क्या है ये हेमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के सभी पार्ट्स में सभी सेल्स तक पहुंचाता है इसका फंक्शन ये है नेक्स्ट है स्टूडेंट्स व्हाइट ब्लड सेल्स इनके नेम से पता लग रहा है कि इनका कलर क्या है वाइट और इनका फंक्शन क्या है ये हमारी बॉडी को इंफेक्शन से बचाते हैं डिजीज से बचाते हैं इनका मेन फंक्शन यही है और थर्ड काइंड के जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स प्लेटलेट्स इनका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का ब्लड क्लॉटिंग का मीनिंग क्या है ब्लड क्लॉटिंग मीन्स कि जब आपको चोट लग जाती है तो उसके बाद में कैपिलरीज कैपिलरीज चोट की जगह पे क्या करती हैं बाकी ब्लड को पहुंचाती हैं और वहां पे एक तरह से उस ब्लड के फ्लो को रोकना शुरू कर देती हैं स्टॉप करना शुरू कर देती हैं और वहाँ पे एक क्लॉट बना देती हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है सो so, ये प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में मूव किस तरीके से करता है सर्कुलेट कैसे करता है सो so, स्टूडेंट्स उसके लिए हमारे पास एक फिगर है एक डायग्राम है उसके थ्रू मैं आपको ये क्लियर करती हूँ सो लुकट दिस डाय स्टूडेंट्स इस डायग्राम में जो यहाँ पे रेड कलर है ये आपको इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो ब्लू कलर है वो इंडिकेट कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग क्या है ऑक्सीजनेटेड का मीनिंग है कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है और डीऑक्सीजनेटेड का मीनिंग है जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है जो पूरे हमारे बॉडी के बाकी पार्ट से हर्ट तक आता है इसको हम प्योरिफाइड ब्लड भी बोलते हैं और इसको इमप्योर ब्लड सो स्टूडेंट्स जो हमारे लंग्स से आता है ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड आता है इस लेफ्ट ऑरिकल में सबसे पहले लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है फिर वो लेफ्ट ऑरिकल से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल से आने के बाद वो आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स तक पहुंचता है सभी पार्ट्स में हमें पता है रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होता है ये ऑक्सीजन यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिक्स होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कौन लेके आता है वीन्स वो वीन्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आती है राइट ऑरिकल में इस राइट वाले ऑरिकल में और राइट ऑरिकल से जाता है वो राइट वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से इसको ये जो हमारी वीन्स होती हैं पलमोनरी आर्टरीज होती हैं यहां पलमोन आर्टरीज इसको लेके जाती हैं लंग्स में लंग्स में जाता है स्टूडेंट्स ये प्योरिफिकेशन के लिए मीन्स दोबारा से उस कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ के आ जाता है ब्लड और वहां से फिर से ऑक्सीजन ले लेता है ऑक्सीजन वाला ब्लड दोबारा से लेफ्ट ऑरिकल में आएगा और इस तरीके से ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहती है हमारी बॉडी में इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज दैट क्लियर नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टूडेंट्स हमारा हार्ट बीट हार्ट बीट का मीनिंग क्या है धड़कन हमारा स्टूडेंट्स जो हार्ट है वो हर टाइम बीट करता रहता है जब से आपका जन्म होता है जन्म से लेकर डेथ तक हमारा हार्ट जो है वो बीट करता रहता है कितने टाइम्स बीट करता है एक मिनट के अंदर कम से कम ये 70 या फिर 72 टाइम्स बीट करता है अगर आप नॉर्मल रेस्ट की कंडीशन में बैठे हो स्टूडेंट्स हमारा हार्ट जो एक स्पेशल काइंड की मसल से बना होता है जिनके अंदर टाइम टू टाइम कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है Means एक बार वो मसल सिकुड़ती है, दूसरी बार फैलती है तो इस तरीके से इनके रेगुलरली कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्ट बीट आप अपने हार्ट पे जैसे यहाँ पे चेस्ट पे लेफ्ट साइड में हैंड रख के उस हार्ट बीट को फील भी कर सकते हो समाइम्स क्या है हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई हैवी वर्कलोड वाला वर्क करते हैं तब हमारी जो हार्ट बीट है वो 150 टाइम्स भी हो जाती है एक मिनट के अंदर और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टूडेंट्स की इस हार्ट बीट को कैसे मेजर किया जाता है कौन से इंस्ट्रूमेंट से वो इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप दिस इज द स्टेथोस्कोप स्टूडेंट्स आपने डॉक्टर्स के पास ये इंस्ट्रूमेंट जरूर देखा होगा डॉक्टर्स आपकी हार्ट बीट को चेक करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं इस स्टेथोस्कोप के भी स्टूडेंट्स थ्री पार्ट होते हैं फर्स्ट इज चेस्ट पीस जिसको चेस्ट के ऊपर रखा जाता है हार्ट बीट को सुनने के लिए नेक्स्ट है टू ईयर पीसेस जो डॉक्टर अपने ईयर में डालते हैं उसको सुनने के लिए थर्ड आता है स्टूडेंट्स कनेक्टिंग ट्यूब जो इन दोनों को कनेक्ट करती है एंड आज के लिए हमारा लास्ट टॉपिक है कीपिंग द हार्ट हेल्दी कि हम अपने हार्ट को हेल्दी कैसे रख सकते हैं स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम ब्लड के अंदर हाई फैटी एसिड वाला जो हम खाना खाएंगे तो हमारा ब्लड जो है वो कहीं कहीं पे ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा जैसे कि अगर आप ज्यादा फैट वाला खाना खाते हो फैटी सब्सटेंस कोलेस्ट्रॉल ज्यादा दूध ये घी मक्खन ज्यादा खाते हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा और फैट रिच डाइट होने की वजह से आपकी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी ब्लॉकेज की वजह से क्या है पीपल्स ओबेस हो जाते हैं मींस मोटापा आ जाता है और मोटापे की वजह से हार्ट अटैक तक भी आ सकता है स्टूडेंट्स ज्यादा स्ट्रेस आएगा हार्ट पे ब्लड को पंप करने में और ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है सो so स्टूडेंट्स ये सब कैसे रोका जा सकता है अगर हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लें जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं सो so एक बैलेंस डाइट आपके हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेयर आर टॉपिक इज कंप्लीट सो स्टूडेंट्स रीड इट केयरफुली